हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती GDS भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बंपर पदों पर भर्ती आ चुकी है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आपके पास काफी सुनहरा अवसर है नौकरी प्राप्त करने का। तो आइए हम इसकी डिटेल को जानते हैं। टोटल कितनी पोस्ट है, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं, योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, एंड तक आप लोग जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय डाक विभाग के अंदर यहां पर जो है लगातार चार बार जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है। पिछली बार 18,000 पदों पर आई थी, अभी लेटेस्ट ही वैकेंसी आउट हुई थी। यहां पर 2-3 महीने हुए हैं और फिर वैकेंसी यहां पर आ गई है। तो काफी ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है भारतीय डाक विभाग के अंदर। और इस बार जो है ग्रामीण डाक सेवक GDS यानी आपके जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए यहां पर भर्ती निकली है। और यह शेड्यूल 2 की भर्ती है, जुलाई बैच की भर्ती है। तो यहां पर टोटल पोस्ट कितनी है, तो 30,041 यहां पर टोटल पोस्ट है दोस्तों। राजस्थान में 2,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। हर सर्किल की एक भर्ती होती है, इसमें आपके यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों की भर्ती निकलती है। तो राजस्थान में 2,000 से अधिक पद हैं और पूरे भारत के अंदर 30,041 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें योग्यता क्या क्या है, कौन विद्यार्थी यहां पर फॉर्म लगा सकता है, पहली बात तो इसकी खास बात है इसमें कोई एग्जाम नहीं होती है। इस भर्ती के अंदर किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होती है, मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। और जो मेरिट बनती है वो आपके 10वीं के प्रतिशत के आधार पर बनती है कि आपने 10वीं में कितने अंक प्राप्त किए हैं। अगर अधिक से अधिक आपने अंक प्राप्त किए हैं तो यहां पर चयन होने का बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास में। तो योग्यता की बात करें, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोग इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपके 10वीं में बढ़िया परसेंटेज है, यानी अगर आपके 80% प्लस परसेंटेज है, तो मौका है आपके पास में कि आपका चयन हो सकता है। क्योंकि इतनी तो कट ऑफ जाती है, 80 से अधिक ही रहती है, 85, 90, 95, 98, 99, 100 तक कट ऑफ जाती है। क्योंकि कोरोना के दौरान 100% भी बच्चों के मार्क्स आए तो यहां पर 100% भी इसकी कट ऑफ रहती है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। लगातार 3-4 बार भर्ती हो चुकी है, आप देख सकते हैं कट ऑफ। तो यहां पर मिनिमम अगर आपके 80% है तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं। वैसे फॉर्म तो कोई भी लगा सकता है, 40 वाला, 45 वाला, 50 वाला, लेकिन भैया 80 से कम वाले मत लगाना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यहां पर कट ऑफ रहती है, 98, 95 पे यहां पर सिलेक्शन होता है। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपके 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है, यानी अधिकतम कोई दिक्कत नहीं है, 40 वर्ष है। और आरक्षित जो वर्ग है उनको छूट भी रहती है 5 साल की, 10 साल की, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी मिनिमम 18 वर्ष यहां पर दे रखी है। तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और 10वीं पास है, 10वीं में आपकी अच्छी परसेंटेज है, तो आप GDS 2023 के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, आपका चयन हो सकता है। यहां पर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्म लगाना पड़ता है। फॉर्म आपके आज से स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज है दोस्तों 3 अगस्त, 3 अगस्त से लेकर आपके 23 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहां पर मैं डेट लिख देता हूं कि 3 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अगस्त तक आपके जो फॉर्म है दोस्तों वो भरे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको करेक्शन का टाइम भी मिलेगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो संशोधन का यहां पर पैनल भी आता है जिसपे आप संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट यहां पर 23 अगस्त है। खास बात यह कि यहाँ पर जनरल और ओबीसी की सिर्फ 100 रुपये फीस लगेगी, बाकी एससी एसटी पीएच कैटेगरी इनकी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं है, महिलाओं की कोई भी फीस नहीं है, यानी निःशुल्क आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ जनरल ओबीसी की यहाँ पर जो है 100 रुपये फीस रहती है, बाकी किसी की फीस नहीं लगती है, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको आवेदन लगाना है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है, क्योंकि 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो सही से डिटेल डालनी है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं कर रखा तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो है, जैसे फॉर्म लगाया उसके बाद में यहां पर मेरिट लिस्ट आउट होती है। मेरिट लिस्ट आउट होती है आपके 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर कि आपके कितने प्रतिशत है, आपके हर सर्किल के अलग-अलग यहां पर मेरिट लिस्ट निकलती है। तो राजस्थान में देखो 2000 पद हैं, तो 2000 से अधिक पद राजस्थान सर्किल में है, तो राजस्थान की एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। राजस्थान में भी अलग-अलग जिलों में अलग-अलग पद है कि बांसवाड़ा में अलग है, डूंगरपुर में अलग है, प्रतापगढ़ में अलग है, दौसा में अलग है, जयपुर में अलग है। तो यहां पर आप जिलों के हिसाब से यहां पर जो है फॉर्म लगा सकते हैं, पदों के हिसाब से फॉर्म लगा सकते हैं। तो फॉर्म लगाते समय थोड़ा सावधानी बरतें कि भाई आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पद है उसमें फॉर्म लगाए, या आपके जो पास में पड़ता है, या कट ऑफ किसकी कम जाती है, इन सभी चीजों को देखते हुए आप लोग फॉर्म लगाएं, जिससे चयन होकर चांसेस आपके यहां पर बढ़ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर आपने फॉर्म लगा दिया, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब जिनका पहली मेरिट लिस्ट में चयन होगा, जिनका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, पिताजी का नाम आ गया है, तो उनको बता दिया जाएगा कि इस सर्किल में आपका सिलेक्शन हुआ है, इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है। अब GDS में
में दो पोस्ट होती हैं, आप सभी को पता है, एक तो होती है आपके एबीपीएम, एक तो यहाँ पर एबीपीएम होती है और एक होती है आपके बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी जो बेसिक पे होती है वो होती है दोस्तों 12,000, ठीक है ना, और इसकी जो बेसिक पे होती है वो होती है आपके 10,000 रुपये, यानी मिनिमम 10,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, और यहाँ पर बीपीएम में 12,000 बेसिक पे होगी जो बढ़कर आपके काफी अधिक यहाँ पर हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर चयन हो रहा है, और ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है दोस्तों, उनको फॉर्म जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम मिल जाता है, 4 से 5 घंटे की जॉब है, बाकी आप फ्री हैं। तो अगर आसपास आपके आपके क्षेत्र में या आपके घर के आसपास आपकी जॉब लग जाती है तो काफ़ी अच्छा है कि आपको कुछ रुपए भी मिलते रहें, कुछ सैलरी मिलती रहे, और साइड में आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें, आगे की जो आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या जो भी आप तैयारी करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। तो एक सहायता यहाँ पर मिल जाती है, और बाकी सरकारी जॉब है, ये सरकारी जॉब है ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रमोशन भी होते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगता है प्रमोशन होने में। जैसे कि आप अगर बीपीएम है, ठीक है ना, तो आगे आपका प्रमोशन हो जाएगा, एबीपीएम है तो भी आपका प्रमोशन यहां पर रहता है। तो फॉर्म सबको लगाने हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज है, जो चाहते हैं कि भाई नौकरी लग जाए, ठीक है ना। बाकी काफी सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट कर सकते हैं, सर मेरी तो बहुत कम परसेंटेज है, मेरी तो 60 ही है, 65 है, 70 है, तो वो फॉर्म मत लगाना, कम से कम 80 से प्लस वाले फॉर्म यहां पर लगाएंगे। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और फिर फाइनल आपका चयन हो जाता है। तो ये कंप्लीट यहां पर प्रक्रिया आपकी रहती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, फॉर्म निकले हुए हैं, 2-3 बार फॉर्म पहले निकल चुके हैं, इस बार अधिक संख्या में यहां पर पद निकले हैं, 30,041 पद हैं, राजस्थान में 2,000 से अधिक पद हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, आप जॉब लगना चाहते हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आगे यहां पर तैयारी भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।